मामला ये हुआ ना कि जब 11 तारीख को ये सब आए थे यहाँ जो है, तो घर में हमारी वाइफ जो है नमाज पढ़ रही थी, बच्चों को भी जबरन पढ़वा। कैसे चला कि वो हसीना नाम है उसका? पता है ऐसे चला कि हमारे पास एक, जब ये चली गई सब सर, तो हमें एक इनके मार्कशीट मिली जो है, मार्कशीट से हमको पता लगा। उसके पहले आपको मार्कशीट नहीं मिली थी? नहीं नहीं नहीं, इतने साल से आपके घर में थी, आपको मार्कशीट मिली ही नहीं? नहीं। मार्कशीट कहाँ पे मिली आपको? मार्कशीट हमको अंदर में मिली जो है। कहाँ पे अंदर? अंदर में अलमारी में रखा था। तो कभी आपने, आपका घर, आपने कभी अलमारी में देखा नहीं क्या सामान रखा है सर? नहीं। क्या सामान वो लेके आई थी ये सब आपने नहीं चेक किया था? नहीं, जो वो लेके आती थी उसको दिखाती थी, लेकिन ये मार्कशीट कहीं इस तरह रखा था सर। कैसे रखा था? घर आपका है और किस तरह से मार्कशीट वो लेके आई और रखी रखी आपको 12 साल के बाद आपके ही घर में मार्कशीट मिल रही है? कागजात जो है ना, कागजात से हमारा जो हम पढ़ाई लिखाई जो किए थे उसके बीच में रखा था, और फिर वो मिला अचानक, तो हम देखने लगे कि मार्कशीट तो लगता उसी का है, नाम भी उसी का लगता है सब कुछ। तो हमने मार्कशीट से तहकीकात करवाया जो है, पता चला। क्या लिखा था मार्कशीट? मार्कशीट में यही था, कक्षा 5 की मार्कशीट थी प्राइमरी स्कूल की। कौन से विद्यालय की थी? विद्यालय प्राइमरी, जैसे प्राइमरी पाठशाला। पाठशाला कौन सा विद्यालय, कहाँ का विद्यालय था, कौन सा जनपद था? बड़नपुर, जिला प्रतापगढ़। तो आपने, लेकिन एक बात है ना हैरत करने वाली, कि एक लड़की जो आपके जीजा को मिलती है अनजान, और फिर वो आती है आपके घर में रहती है, और आपके घर में, लेकिन आप उसका सामान तक नहीं चेक करते। कोई अनजान शख्स आपके घर में आकर रहता है, आप सामान तक नहीं चेक करते। आई थी हमारे पास, तो उसके पास कुछ था नहीं, एक पन्नी में एक कपड़ा था बस उसका। फिर मार्कशीट कब लेके आई? अब मार्कशीट जो अपने नैहर गई थी, 2-3 बार गई थी हमारे चोरी चुप्पे से, उसी बीच में लेके आई थी यहाँ। मतलब नैहर सुबह जाती थी, शाम तक आ जाती थी? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कैसे आपको पता नहीं चलता था चोरी छिपे से जाती थी? नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन, और इसमें मैं पहुँच गया हूँ श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अयोध्या में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 12 साल पहले जिस लड़की को पूजा समझ के शादी की थी, वो लड़की पूजा नहीं बल्कि हसीना बेगम निकली। क्या है पूरा मामला ये हम जानेंगे आपसे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगवीर है। जगवीर जी, ये बताइए किस तरह का ये मामला आपके साथ हुआ, कैसे? सर शुरू से बताएं पूरी। हमारे रिश्तेदार जीजा थे, वो प्रदेश में जा रहे थे। हमारे पिताजी प्रदेश में नौकरी करते थे, जिला जेल रेवाड़ी। फिर जीजा जो हमारे प्रदेश जा रहे थे, उनको फैजाबाद स्टेशन पे इन्होंने मिली, जो हमारी वाइफ थी। और ये रो रही थी, तो कह रही कि हमारी कहीं शादी करा दो। फिर हमारे जीजा के साथ एक प्रदेश चली गई, फिर इनको लेके साथ में आए वहाँ से। तो 3-4 महीना, जिसे 3-4 महीना हमने देखा, देखने के बाद में यही पता किया कि ये कहाँ की है, कैसे है। गांव वाले सब पूछने लगे कहाँ की है। तो ये अपना नाम तो बताई पूजा, उसके बाद अपना जो जिला बताती हैं प्रतापगढ़, अब अपने पिता का नाम नहीं बताई ना, कुछ भी बताया नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनका कोई है नहीं, फिर हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। हाँ। 3 महीना बाद फिर उनसे हमारी जो है कोर्ट मैरिज होने के बाद में, फिर हमने ठीक से रह रहे थे साथ में, फिर हमारे एक बच्चा हुआ लड़का जो है, 4 जून 2012 में। फिर ज़िंदगी ठीक से कट रही थी, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। हाँ, तो फिर ये अचानक ये कैसे खुलासा हुआ जब ज़िंदगी ठीक चल रही थी? फिर अचानक ये खुलासा हुआ 2020 में, जो राजू नाम का शख्स एक हमारे वाइफ से संबंध हुआ, मिला इनसे, मिली जो है। राजू जो है कहता है कि ये हमारे मामी की लड़की हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। राजू ने इनके माँ बाप को लेके आया वहाँ से, जिला प्रतापगढ़ से माँ बाप आए। हाँ, प्रतापगढ़ से माँ बाप इनके आए। फिर ये कैसे पता चला कि वो हसीना बेगम है, मुस्लिम है, ये कैसे पता चला? ये भी बता रहे हैं ना। हाँ। फिर उसके बाद जो है ये एक बार अपने मायके गई हमारी वाइफ, वहाँ से आए जो उनबा, यही सब पता चला जो है, वहाँ से आए और ये कहानी सब होने लगी बीच में, कि यही धर्म परिवर्तन के लिए। तो उनके नैहर से जो है धर्म परिवर्तन का जो है
करने लगी थी तो आपके ऊपर दबाव बन रहा था, ऐसे ऐसे करो आप दबाव बनाओ, धर्म परिवर्तन करवा दो इनका। फिर उसके बाद सर कुछ दिन के बाद जो है हमारे जो धमकी आने लगी कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारा सर कलम करवा देंगे और तुम्हारी जमीन जो है जमीन बेच के। कौन धमकी दे रहा था सर कलम करवाने की? उसकी माँ बहन राजू सब मिलके, सब जो है तीन चार लोग थे, अब और भी अज्ञात थे, लेकिन हम जब कभी वहाँ गए नहीं है तो क्या जाने। हम जो कभी आप प्रतापगढ़ नहीं गए, देखे नहीं कि घर और कहाँ पे है? नहीं, नहीं। तो फिर उसके बाद ये धमकियाँ मिलने लगी, फिर हमने थोड़ा डर वर गए थे। ये मामला जो है आके सारा हुआ कब, ये 11 तारीख को हमारे यहाँ जो है ये सब आए थे पिछले महीने में। इनके माँ बाप बहन और अज्ञात एक दो लोग और थे इसमें। अब एक तो राजू ही था। और फिर उसके बाद सर ये हुआ कि पहले दिन तो झगड़ा हुआ थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ तो हम चलो शांत हो गए। दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ, कसके हुआ झगड़ा, 100 नंबर बुलवाया तो 100 नंबर कहने लगे भाई कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में जाइए, जब कोर्ट मैरिज करवाए हैं। तो हम सीधा कोर्ट में चले गए। फिर तीसरे दिन ये हमारा सर सामान जो है पैक किया, और पैक करने के बाद उसमें जेवर भी थे, बैंक के कुछ कागजात थे, और हमको एक दो झापड़ भी मारा, हमको गाली भी दी जो है, 4-5 लोग थे। फिर उसके बाद जो है हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। पता कैसे चला कि वो हसीना नाम है उसका? पता ऐसे चला कि हमारे पास एक, जब ये चली गई सब सर, तो हमें एक इनके मार्कशीट मिली जो है, मार्कशीट से हमको पता लगा। उसके पहले आपको मार्कशीट नहीं मिली? नहीं नहीं नहीं, इतने साल से आपके घर में थी, आपको मार्कशीट मिली ही नहीं? नहीं। मार्कशीट कहाँ पे मिली आपको? मार्कशीट हमको अंदर में मिली जो है। कहाँ पे अंदर? अंदर में अलमारी में रखा था। तो कभी आपने, आपका घर, आपने कभी अलमारी में देखा नहीं क्या सामान रखा है सर? नहीं। क्या सामान वो लेके आई थी ये सब आपने नहीं चेक किया था? नहीं, जो वो लेके आती थी उसको दिखाते थे, लेकिन ये मार्कशीट कहीं इस तरह रखा था सर, कैसे रखा था? घर आपका है और किस तरह से मार्कशीट वो लेके आई और रखी रखी, आपको 12 साल के बाद आपके ही घर में मार्कशीट मिल रही है? कागजात जो है ना, कागजात से हमारा जो हम पढ़ाई लिखाई जो किए थे उसके बीच में रखा था, और फिर वो मिला अचानक, तो हम देखने लगे कि मार्कशीट तो लगता उसी का है, नाम भी उसी का लगता है, सब कुछ। तो हमने मार्कशीट से तहकीकात करवाया जो है, पता चला। क्या लिखा था मार्कशीट? मार्कशीट में यही था, कक्षा 5 की मार्कशीट थी प्राइमरी स्कूल की। कौन से विद्यालय की थी? विद्यालय प्राइमरी, जैसे प्राइमरी पाठशाला। पाठशाला कौन सा विद्यालय, कहाँ का विद्यालय था, कौन सा जनपद था? बड़नपुर, जिला प्रतापगढ़। तो आपने, लेकिन एक बात है ना हैरत करने वाली, कि एक लड़की जो आपके जीजा को मिलती है अनजान, और फिर वो आती है आपके घर में रहती है, और आपके घर में लेकिन आप उसका सामान तक नहीं चेक करते, कोई अनजान शख्स आपके घर में आकर रहता है, आप सामान तक नहीं चेक करते। आई थी हमारे पास तो उसके पास कुछ था नहीं, एक पन्नी में कपड़ा था बस उसका। फिर मार्कशीट कब लेके आई है? अब मार्कशीट जो अपने नैहर गई थी, 2-3 बार गई थी हमारे चोरी चुप्पे से, उसी बीच में लेके आई थी यहाँ। मतलब नैहर सुबह जाती थी, शाम तक आ जाती थी? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कैसे आपको पता नहीं चलता था चोरी छिप्पे से जाती थी? आप बोल रहे हैं नहीं, जैसे हमसे पूछती थी मैं जाऊंगी अपने नैहर, तो भाई हम उसको बोलने लगते हम क्यों जा, काहे जा, वो ये सब रोकने मना करने पर दबाव डालती थी हमको कि हम तुमको मरवा देंगे। तो चोरी से एक दो बार हमसे गए थे, वो विद्यालय पे गए थे, आपने पता किया था? नहीं, विद्यालय नहीं। वैसे कैसे कन्फर्म हुआ कि मार्कशीट उसी की है? उसमें फोटो तो रही नहीं होगी? फोटो नहीं थी सर। कैसे कंफर्म हुआ कि मार्कशीट उसी की? सर ये जो है कंफर्म जो है हुआ कैसे, तो ये तो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मार्कशीट और हमारे अलावा उसके बाद जो है ये मार्कशीट हम पता करवाए है उसी का सब कुछ। फिर जैसे मामला ये हुआ ना कि जब 11 तारीख को ये सब आए थे यहाँ जो है, तो घर में हमारी वाइफ जो है नमाज पढ़ रही थी, बच्चों को भी जबरन पढ़वा रही थी। फिर इसको बच्चों के आए हम बोलने लगे सब, तो ये मारने पीटने लगती थी बच्चों को। फिर जो है हमको भी जो है यही कहती, तुम अगर बोलोगे तुमको भी मारूंगे। फिर उसके बाद जो है हम फिलहाल अब कहाँ हैं? फिलहाल अब सब ये तो
ये तो नहीं जानते हैं कहाँ है इस समय जो है। हम ये 18-20 में आए थे क्योंकि सर बुलवाए थे वहाँ। अभी भी धमकी मिल रही है आपको अभी भी? नहीं अब नहीं मिल रही है सर, अब नहीं। आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया है थाने पे, तहरीर वगैरह थाने पे है एप्लीकेशन? क्या कह रहे हैं पुलिस वालों ने क्या कहा? अब वो हमसे उतना बात नहीं किए लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, परेशान ना हो, आप सही से रहो बस। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए एक अजीबो गरीब मामला है, हैरान कर देने वाला है। जिस शख्स जिस लड़की को ये पूजा समझ के शादी किए थे वो जो है इनका कहना है कि वो हसीना बेगम है और बेटे को भी नमाज़ पढ़ाती थी और उसकी मार्कशीट के जरिए जो है इनको पता चला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करी और जांच के बाद ही पूरा मामला खुलकर सामने आ पाएगा।